आगे बोकारो के चास बिजली विभाग कार्यालय परिसर में स्थित ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में भीषण अगलगी घटना में बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। घटना के बाद जीएम अजीत कुमार मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच कराने की बात कही। बता दें कि सोमवार को ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट के होने के बाद भीषण आग लग गई। वर्कशॉप में रखे तेल के ड्रम अचानक फटने लगे। दर्जनों दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की और 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। जीएम अजीत कुमार ने बताया कि वर्कशॉप के अंदर 40 से 45 रिपेयर किए हुए ट्रांसफार्मर रखे गए थे, सभी चलकर नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि जल्द वर्कशॉप को शुरू करने के लिए काम भी शुरू किया जाएगा। यही तो संभावनाएं सामने आ रही है, जिसके कारण ये आग लगी है। अब जो नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका आकलन करें, प्रॉपर आकलन करके यथाशीघ्र इसको चालू भी करें। देखिए, क्योंकि ये तेल वाला सामान है, हम लोग देख रहे हैं उस चीज़ को कहाँ पर क्या चूक हुई है। अभी तो जो चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई है उनको हम लोग रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद सबसे पहला चैलेंज है कि संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, अगली घटना सामने आई, करोड़ों का नुकसान हुआ है, जांच के आदेश दिए हैं, फिलहाल क्या कुछ हालात और अपडेट इस खबर पर? आग लगी घटना घटी है, लगभग 6 घंटा तक आग लगा रहा और लगभग 12 से 16 दमकल की गाड़ियां लगाई गई थी, लेकिन 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन अब जो है जीएम यहाँ पे पहुंचे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, 3 सदस्यीय टीम की गठन की गई है, जांचों इंतजार जो कार्रवाई हो सकता है की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आग जो लगी है, कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिसमें सामान रखा हुआ था, लगभग तेल जो है 10 से 15 ग्राम का तेल जल गया और सारा सामान जल के राख हो गया है। करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन अब वहाँ पे मुख्य बाजार पर जीएम पहुंचे हैं, 3 सदस्यीय टीम का गठन कर लिया गया, जांच पड़ताल की जा रही है और जांचों इतराब जो बातें सामने आएगी उनके बाद जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए।